बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव नशरियात में आपका ख़ैर मुकदम, आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर, और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। अगर फिरदौस बरो ये ज़मीं आस हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस, यानी कि अगर जन्नत का टुकड़ा है तो वो हमारी वादी कश्मीर है। बिल्कुल यहाँ के पहाड़, यहाँ के आबशार, यहाँ के कोसार काबिल दीद है। फिलहाल अभी आपके तस्वीर में देखा है एक चश्मा, तो मेरी मुराद है आज हम अच्छा बल सुप्रिंग के हवाले से बात करें। नाज़िर मोहतरम, बिल्कुल अगर हम इस चश्मे के हवाले से बात करें, इस चश्मे की यह खूबी है, सर्दियों का जो ही यहाँ पे मौसम शुरू होता है तो ये जो ये पानी है ये बिल्कुल यहाँ पे गर्म होता है और यहाँ हर एक शख्स नहाने के लिए भी आता है। लेकिन आज अगर हम इस मौसम की बात करें तो मौसम में जब यहाँ पे स्प्रिंग का सीज़न होता है तो पानी काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ बारिशों का सिलसिला जारी है। वही मैं आपको बता दूं, जो ये पानी है काफ़ी गर्म इस वक्त लग रहा है, जैसा कि उबाल के यहाँ पे रखा है, तो ये करिश्मा कुदरत का है, अल्लाह ताला का करिश्मा है। और फिलहाल मैं बता दूँ, जो ये अच्छा पल गार्डन है ये भी एक मगलू की देन है। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जो ये चश्मा है ये देखने के लायक है। इसके साथ साथ अगर हम इस अच्छा पल के हवाले से बात करें, यहाँ का थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है ये चश्मा आप जो देख रहे हैं, ये बालाजी ये जो ये आप सारा देख रहे हैं, इसकी एक खासियत यह है, क्योंकि ये है कि जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें काफ़ी ठंड होता है पानी, लोग यहाँ पर गर्मियों के मौसम में नहाने के लिए आते हैं। लेकिन आज अगर मैं आपको बता दूँ, यकीन नहीं आएगा कि पानी काफ़ी गर्म है, और ये भी अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मौसम काफ़ी ठंड है, शिद्दत जो सर्दी है उसकी वो शिद्दत बढ़ गई है, लेकिन मतला अबरा आलूद है और मौसम ने शायद अब करवट बदली है, सुधार आने के इम्कान है। वहीं मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा खूबसूरत जो यहाँ पर आपको नज़ारा दिख रहा है, ये है अच्छा पल का मुगल गार्डन, जो कि मुगलों की देन है। और थोड़ा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये है एक और बालादरी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अक्सर बेशतर कहा जा रहा है कि जब भी यहाँ पर दरबार हुआ करते थे या दरबार लग जाते तो जो मुगल हुआ करते थे वो इसी में जो ये आप बालादरी देख रहे हैं, बिल्कुल इसकी जो रिनोवेशन वो फिर से यहाँ पर हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मुगल हमाम, ये आपको मेरा कैमरा पर्सन थोड़ा यहाँ आपको दिखाया है, इसी चिनार के बीच भी जो आप ये मुगल हमाम भी देख रहे हैं, ये भी उसी वक्त का है। कुल मिलाकर अगर हम अच्छा पल की बात करें, अच्छा पल के साथ साथ जितने भी हलसल मुकाम है हर एक की अपने अपनी हिफाजत और अहमियत है, लेकिन बिल्कुल आज हमने अच्छा पल के हवाले से बात की है। अच्छा पल यानी कि अच्छा मेहनत ठीक पल मिली जगह, और ये संस्कृत नाम भी है, लेकिन जब यहाँ पे मुगल आए तो उन्होंने इसका नाम रखा है साहिब आबाद। और फिलहाल अगर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में देखें तो इसको साहिब आबाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन अक्सर बेशतर इसको अच्छा बल के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल हम फिर बात करेंगे, थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है जो ये आबिकार आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर ये इस वक्त जो ये आपको ये नज़ारा आप उस वक्त बखूबी इस वक्त लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, और ख़ासकर जो फाउंटेन्स आप देख रहे हैं फुहार। लेकिन साथ ही ये भी आप सरकार हमारी तरफ से ये अपील है सरकार की ओर की इसकी तरफ और तवज्जो मबजूद की जाए, क्योंकि ये खूबसूरत जो ये इलाका है, इलाके के साथ साथ जो यहाँ पर यह हलफगाड़ है, इसकी शन रक्षा को दोबारा रखने में उनका एक अहम रोल बनता है। और साथ ही आम लोगों का भी ये कहना है कि जो ये मुगल बाग है अपने अहमियत का हामिल है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी तरफ और भी तवज्जो मंजूर करने की ज़रूरत है। मैं बता दूँ नाज़रीन मोहतरम, अगर हम इस बाग की बात करें, यहाँ पे जो चिनार के पेड़ हैं वो भी खूबसूरत यहाँ पे इस वक्त दिख रहे हैं, चाहे हम सर्दी की बात करें, चाहे हम मुस्त खजान की बात करें, या जब यहाँ पर बर्फबारी हुआ करती है तो उसमें भी अपना एक अजीब गरीब यहाँ पे जो ये लुक ये यहाँ पे उस वक्त नजर आता है। कुल मिलाकर जो कुछ बता दूँ, जो ये पानी है आज इसी हम पानी की हम बात कर रहे हैं, फिर मैं बताना चाहूँगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो ये पानी है बिल्कुल गर्म पानी है, और इंसान ये सोच रहा है कि अगर कोई यहाँ पे आए वो नहा भी सकता है और वो हद धो सकता है, लेकिन जब यहाँ पर स्प्रिंग सीजन होता है तो ये काफ़ी ठंड होता है ये पानी,
कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ये भी एक करिश्मा है कुदरत का, अल्लाह ताला का मौजज़ा है। और जो हमारी वादी कश्मीर, मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ अल्लाह ताला ने इस हमारी वादी कश्मीर को हर लिहाज से मालामाल किया है। मैं फिर से बता दूँ, चाहे हम अच्छा बल की बात करें, चाहे हम डक्सुन की बात करें, सिमसन टॉप, मरगन टॉप, या जितने भी हजरत मुकाम हैं, हर एक की अपने अपनी हिफाजत और अहमियत है। इसी तरह अगर हम कुकरनाक की बात करें, कुकरनाक भी एक खूबसूरत जगह है, जहाँ पे एक और चश्मा है। और थोड़ा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो ये बिल्कुल जो आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसे पहले बताया कि शायद अभी भी सरकार की नज़रों से ये ओझल होता जा रहा है। अब हमारी भी अपील है कि इसकी तरफ और भी तवज्जो मबजूल की जाए, खासकर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल फरमाएँ। खासकर जो बाहर के सयाह जब यहाँ पे वारद होते हैं या मुकामी लोग, तो आते ही यहाँ पे पहले दिल खुश होते हैं। अगर मैं बता दूँ कि ये सिद्धू की बात, अगर पहले ज़माने की बात करें, जितने भी यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े एक्टर्स वो यहाँ पे आया करते थे और यहाँ पे फिल्म शूटिंग्स यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन अब जबकि यहाँ पे इस अच्छा बल बात की अगर हम बात करें, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि शायद ये सरकार के साथ साथ जो महकमा उसके नज़रों से भी ओझल होता जा रहा है। लेकिन हमारी भी अपील है महकमे हाजा से कि वो इसकी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें, ताकि जो बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं सयाह, वो जो ये खूबसूरत ये इलाका है, ये खूबसूरत जो यहाँ पे ये गार्डन है, यहाँ चश्मा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। और साथ ही मैं बता दूँ, अगर इस मुगल गार्डन की तरफ सरकार अपनी तवज्जो मबजूल करे, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाहर के सयाह और भी यहाँ की तरफ रुख करने में अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे। उम्मीद है कि जो हमारी ये पेशकश आपको आज पसंद आई होगी। अपनी आर एस ए नवाजी दीजिए अपने मेज़बान पीर मुजफ्फर और साथी कैमरा पर्सन मेरी तरफ इजाज़त। जाते जाते हम आपको फिर एक बार यहाँ का ये जो नज़ारा है, ये हम अपने इस वक्त मोनीटर पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त भी कुछ जो बाहर के सयाह है वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूँ, एक तरफ यहाँ का जो मौसम है उसने करवट ली है, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें, लेकिन इसके साथ साथ जो बाहर के सयाह है, जो टूरिस्ट है, वो यहाँ पे आए हैं। एक भाईजान है, थोड़ा इनसे बात करेंगे, कहाँ से और कैसे मैच कर रहे हैं। सर आपका इस्तकबाल है, वेलकम है, कहाँ से है और कैसे आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? हम तो आया मुंबई से, बहुत बहुत बढ़िया ये अच्छा वर्ल्ड गार्डन। जी जी, सुना है मोहम्मद सलीम, मुगल के कोई बादशाह सलीम ये बनाया था, तो ये बहुत अच्छा लगता है। जी जी, इससे पहले आपने कश्मीर का दौरा किया, कहाँ कहाँ पे गए और किन किन हजरत का दौरा किया? ये अभी तो हम लास्ट सैटरडे आया, पहले वो डाल लेक में गया, वहाँ पे वो जो हाउस बोट में था, उसके बाद कल हम लोग गया था पहलगांव के वहाँ पे वो जो बेताब वैली घूम लिया, और एक पोनी राइड किया था पहलगांव से, उसका नाम जी जी अभी याद नहीं आ रहा है। सब कुल मिलाकर अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि ये पर्यटक पर्वत है। अगर हम देखिए कि धरती पर अगर स्वर्ग का कोई टुकड़ा कश्मीर है, तो आज आप यहाँ पर खुद पहुँचे, कैसे महसूस हो रहा है? अब बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा वो बारिश हुआ कल, हम गया था पहलगांव में, वहाँ में स्नोफॉल भी हुआ, वो होटल के पास जो पहाड़ है उसके ऊपर हम देखा स्नोफॉल हुआ, तो सब मिला के बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मैम यहाँ पे छुट्टी, आपका भी वेलकम है। इस्तकबाल अपना नाम बताइए और यहाँ पे पहुँच के कैसा आप महसूस कर रहे हैं? थैंक यू, माय नेम इज सुरना, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कश्मीर आना तो हर किसी का मकसद होता है लाइफ में, ख्वाब होता है, ख्वाब होता है। जी जी जी, बहुत ही सुंदर है, इतना अमेजिंग, बारिश हो रही है फिर भी, मतलब बारिश और क्लाउड का भी अलग मज़ा है, तो हर मौसम का अलग व्यू होता है अलग, और ये हरूद वाला जो सीज़न है, जहाँ पे चिनार के पत्ते जो कलर चेंज कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है।
और मुगल गार्डन्स का नाम तो डेफिनेटली सुना है, श्रीनगर में अभी तक नहीं गए हैं। ये हमारा फर्स्ट मुगल गार्डन वाला ट्रिप है, बहुत सुंदर है। मतलब जिस ज़माने में 400-500 साल या फिर उससे भी ज़्यादा पुराने, जब मतलब हम लोग वही सोच रहे थे जो रानी थी यहाँ पे, वो लोग जब इन्जॉय करते थे शाम को या सुबह, या मे बी पोएम्स लिखते थे या जो भी करते थे, इतनी सुंदर जगह है, इतना इंस्पिरेशन है यहाँ पे आके कुछ नया लिखने का, पेंटिंग आर्ट कुछ भी, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। आपका पहला विजिट है, हाउ मच यू फील हियर? अमेजिंग, दिस इज़ माय फर्स्ट विजिट, आई एम डेफिनेटली कमिंग बैक। माय फ्रेंड स्टेज इन श्रीनगर, सो वी आर प्लानिंग टू डू अ ट्रेक सम टाइम, मे बी नेक्स्ट ईयर और later, but this is amazing. I'll definitely be back. At last, any message towards your friends? Yeah. Regarding visit? Yeah, everyone should come to Kashmir, definitely. It's an amazing, it's definitely heaven on earth. थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नाज़िर मोहतरम, अभी हम अच्छा पल के हवाले से बात कर रहे थे, यहाँ की खूबसूरती के हवाले से बात कर रहे थे, और ये भी हम अभी आपसे ये कह रहे थे कि सरकार के साथ साथ महकमों को भी चाहिए कि वो इसकी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें। अभी भी आपने कुछ बाहर के सयाहों के तासुरात भी सुने, और कुल मिलाकर अब हम आपको फिर एक बार यहाँ की जो खूबसूरती है उसको एक बार हम मॉनिटर पर लाना चाहेंगे आपके सामने, और आप खुद ही इस वक्त अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो अच्छा पल का जो ये मुगल गार्डन है, ये कितना खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने इसको हर लिहाज से मालामाल किया, इसका जो हुस्न जमाल है, इसकी खूबसूरती है, खासकर इसके पहाड़, इसके कोसार, इसके आबशार, इन चीज़ों की तरफ अब सरकार को चाहिए कि वो अपनी तवज्जो मबजूल करें, ताकि जो आने वाले दिनों में जो और भी कुछ पर्यटक है, यानी कि जो टूरिस्ट सैर जो सैयाह है, वो यहाँ पर लुत्फानंदोज़ हो जाए। तो बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, दीजिए अपने मेज़बान फिर मुजफ्फर साथी कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाज़त। इस वादे के साथ अल्लाह ने चाहा आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम, हैव अ नाइस डे।